मैं अजय कुमार बंसल, सूचना सहायक नादौती ब्लॉक जिला करौली से आप सभी का डीओआईटीसी करौली के यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि ईमित्र के द्वारा पाइपलाइन अनुदान के लिए किस प्रकार से पंजीयन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ssdg.rajasthan.gov.in के पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप इसमें चूज करना है कि आपको सिटीजन या क्योस्क किस टाइप के आप यूजर हैं। उसमें से आपको सिटीजन क्योस्क एलएसपी यूज सेलेक्ट करना है, और आपको पुरानी वाला जो ईमित्र था, ईमित्र आईडी थी, उसकी आईडी को आपको यहाँ लॉग इन करना है। जैसे मैं यहाँ अपनी पुरानी ईमित्र आईडी डाल रहा हूँ और पासवर्ड डालिएगा यहाँ, और नीचे आपको जो वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है वो वेरिफिकेशन कोड डालिएगा। सबमिट करने के बाद आपको इसके होम पेज सर्विसेज पर लेके जाएगा। सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, यहाँ आपको करना है सिटीजन रजिस्ट्रेशन बाय कियोस्क, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा पूरा, जो कि बाद में सबमिट सक्सेसफुली सबमिशन होने के बाद यूनिक आईडी जनरेट करेगा। यहाँ आपको सारी एंट्रीज फिलअप करनी है। वो जो यूनिक नंबर होगा वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए काम में आने वाला है। ये देखिए, आपको इस तरह से एंट्रीज सारी फिलअप करनी है। जो भी एस्टरिक मार्क लगे हुए हैं जिस भी फील्ड के आगे, वो सभी मैंडेटरी हैं, उनके फिलअप किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सके बढ़ पाएंगे इसमें। ये कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, और नीचे कास्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ये बीपीएल, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से, तो बीपीएल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। या आप ऑक्यूपेशन, किस टाइप के आपका ऑक्यूपेशन है, आपका व्यवसाय क्या है, आप करते क्या है, वो डालना है। या मोबाइल नंबर मैंडेटरी है तो मोबाइल नंबर डालिएगा। यदि आपके पास ईमेल आईडी भी है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। या एड्रेस डालना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से, अर्थात आप शहरी है या ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा आप डिस्ट्रिक्ट करौली, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अर्बन रूरल सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट कीजिए करौली। इसमें ब्लॉक नादौती, यहाँ आप गांव सेलेक्ट कीजिए, किस गांव से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है बाड़ा बाजितपुर। किस पंचायत समिति या ब्लॉक के अंडर में आते हैं, यहाँ अपना एड्रेस डालिएगा। यदि आप सेम एड्रेस पे परमानेंट, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप नीचे जो आपको ब्लॉक एक चेकबॉक्स दिख रहा है सेम एज करंट एड्रेस, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप नया एड्रेस फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होगा। ये करौली का पिन कोड डाल, आपके नादौती का पिन कोड है सेम एज करंट एड्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, आप ये डालिए, और इस सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा अभी इसमें। ये देखिए, ये जो यूजर यूनिक नंबर है, इसको आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फर्दर प्रोसेस में यही काम आना है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक कीजिए अप्लाई ऑनलाइन सर्विसेज पे। ये आपको ई मित्रा के पुराने वाले पोर्टल पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, इसमें आप सी यू जी पासवर्ड डालिएगा अपना, सबमिट कीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिए इस स्टेप को। फिर कियोस्क एडमिनिस्ट्रेटर में जाइएगा और अवेल सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इसको, नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आप एड सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। इसमें आपको एग्रीकल्चर ऑप्शन सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट में। ये देखिए, सर्विसेज में सेलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फॉर पाइपलाइंस, इसको सेलेक्ट कीजिए। ये तहसील और विलेज खुलेंगे नहीं, आप सीधा गेट सर्विसेज पे डिटेल क्लिक कीजिए, और यहाँ जो आपको प्रीवियस नंबर जो रजिस्टर किया था आपने, वो डाल एंटर करना है अपने को, और नीचे कंज्यूमर नेम क्या है, अमाउंट, ई मित्रा चार्जेस, और गेट डेटा पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक होते ही आपका अमाउंट पे जो ई मित्रा फीस है वो अकाउंट से डेबिट हो जाएंगी, और इस प्रकार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, योर फीडबैक्स आर